दोस्तों धीरे धीरे करके YouTube अपने प्लेटफॉर्म से उन सभी चैनलों को हटा रहे हैं जो YouTube के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते थे। कुछ टाइम तो YouTube ने झेल लिया है, लेकिन अब जितने भी चैनल्स उनके नजर के सामने आ रहे हैं सारे चैनलों पर सीधा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगा दे रहे हैं, कुछ चैनलों पर वार्निंग स्ट्राइक दे रहे हैं और कुछ को तो डिलीट ही कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे चैनल के बारे में बताने वाला हूँ जो कि तीन पत्ती और रमी जैसे एप्लीकेशन पर बेस्ड था और काफी अच्छे से चलता था उनका गेम प्ले का वीडियो। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर आप YouTube पर एक चैनल बनाते हैं या फिर किसी टॉपिक पर वीडियोस डाल रहे हैं तो एक बार रिसर्च जरूर कर लीजिएगा कि वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं या नहीं। अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है तो जल्दी से तुरंत अपना टॉपिक को चेंज कर लीजिए, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ अगर एक भी वीडियो आपने अगर आज पोस्ट कर दिया आपके आने वाले 2-3-4-5 साल कभी भी आपका वीडियो डिलीट हो सकते हैं, स्ट्राइक लग सकते हैं। 2 साल बाद भी आपके वो उस वीडियो पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लग सकते हैं। तो दोस्तों तीन पत्ती और रमी से रिलेटेड दो ऐसे चैनल था, एक था सुल्तान गेमर और दूसरा था तेजपल मौर्या। आपने तो शायद इनके गेम प्ले देखे ही होंगे। अब दोस्तों उनमें से सुल्तान गेमर का चैनल बिल्कुल डिलीट हो चुका है, क्योंकि उनको शायद पहले एक वार्निंग स्ट्राइक मिला था, फिर भी उन्होंने वैसे ही गेम प्ले पोस्ट करना बंद नहीं किया, तो इसीलिए उनके चैनल पर सीधा 3-4 स्ट्राइक आके चैनल बिल्कुल डिलीट हो गया। और तेजपाल मौर्या जी ने अपने चैनल का जो टॉपिक है वो अब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब उनका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लगा के दिखा दूंगा कि वो नए तरीके से अब काम करने वाले हैं अपने चैनल पर, मतलब जो गेम प्ले का वीडियो था ना वो अब शायद आगे देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको यूट्यूब पर अगर काम करना है ना तो यूट्यूब के जो गाइडलाइंस है उनको आपको फॉलो जरूर करना है, नहीं तो दोस्तों आपका एक बने बनाई चैनल, ग्रो किया हुआ चैनल कभी भी डिलीट हो सकते हैं। दोस्तों हम लोगों को तो कई बार ऐसे सुनने को मिलता है ना कि 4 लाख वाला चैनल डिलीट हो गया, 4 मिलियन वाला चैनल डिलीट हो गया, 31 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल डिलीट हो गया। मतलब उन सभी चैनलों पर एक ही प्रॉब्लम था कि कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक करता था। कॉपीराइट स्ट्राइक अगर किसी चैनल पर आते हैं तो उसको हटाया जा सकता है, मतलब उसको रिकवर कर सकते हैं, जिसका कॉन्टेंट हमने लिया है उसको अपील करके, उससे रिक्वेस्ट करके उसको हटाया। लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक दोस्तों अगर एक बार लग जाते हैं तो एकदम 99% चांस रहता है कि वो नहीं हटेगा। 1% चांस अगर आपका गलती नहीं है, बाय मिस्टेक हो गया है ये यूट्यूब से, तो आपका जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है वो हटाएंगे, वरना एकदम बिल्कुल नहीं हटाएंगे। और जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगते हैं ना दोस्तों वो बहुत सोच समझ के लगाते हैं यूट्यूब वाले, तभी तो नहीं हटाते हैं। तो वार्निंग स्ट्राइक एक बार मिलने के बाद कभी भी चैनल पर उसी तरीके की गलती कभी भी मत कीजिएगा। अब दोस्तों दो चैनल इस तरीके का डिलीट हो चुका है, तो यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने चैनल पर काम कर रहे हैं ऐसे कंटेंट पर वीडियो बनाइए जो कि YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक ना करे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।